हेलो बच्चों, मैं नेहा सर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने सहायक चिन्हों के बारे में जान लिया। सहायक चिन्ह पांच कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, हलंत और नुक्ता। तो सबसे पहले हम अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। पर उससे पहले हम जानते हैं अयोगवाह क्या होता है, क्योंकि ये न स्वर होता है न व्यंजन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, एक साथ इनका प्रयोग कभी नहीं होता, एक बार में एक ही चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं, दोनों दो दो चिन्हों का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। यह सदैव स्वर के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है क के ऊपर अनुस्वार भी है और विसर्ग भी है, ये बच्चों गलत है। ठीक है, क के ऊपर अनुस्वार है सही है, क्योंकि एक बार में एक ही विसर्ग एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क के साथ में विसर्ग है, ये भी सही है, क्योंकि एक बार में एक ही चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पर ये क जो है ये स्वर रहित है, यहाँ पे हलंत लग रहा है ना बच्चों, तो हलंत का मतलब वो वर्ण अधूरा है, आधा है। ठीक है, और जब आधा वर्ण होता है तो उसके साथ में अनुस्वार, विसर्ग या किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये था अयोगवाह। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार यानी कि बिंदु, इसे हम बिंदुल भी लिख सकते हैं, बिंदी बिंदी। ठीक है, उच्चारण इसका जो होता है वो नासिका से होता है। उच्चारित करके देखिए, अंग अंग, तो हमारी जो नाक है, हमारी जो ध्वनि उच्चरित हो रही है इसकी, वो कहां से, स्वर कहां से आ रहा है उसका? हमारी नाक से आ रहा है, इसीलिए इसे नासिक के ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, सभी भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, सभी भाषाओं में, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हर प्रकार के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है अंग, कौन सी भाषा का शब्द है? ये तत्सम शब्द है। अंग, रंग कौन से भाषा का शब्द है? ये भी तत्सम शब्द है। दंग, ये भी तत्सम शब्द है। मैंगो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है। सेंड, विदेशज शब्द है। अंगना, अंगना क्या है? ये भी जो है तत्सम शब्द है, इसको तद्भव और तत्सम दोनों में काम में लिया जा सकता है। खांड बच्चों, खांड बूरा को कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, आंचलिक क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर खांड बूरे के लिए काम में लिया जाता है। तो खांड कैसा शब्द हो गया? देशज शब्द हो गया। अर्थात अनुस्वार का प्रयोग सभी भाषाओं में किया जाता है, इसे नासिक की ध्वनि कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे नाक से ध्वनि, नासिका से ध्वनि बाहर आती है, इसलिए इसे नासिक के व्यंजन, नासिक की ध्वनि कहा जाता है। तो अनुस्वार के बाद में हम विसर्ग देखते हैं। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जो होता है इसे कंठ ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय हमारे कंठ से ध्वनि बाहर आती है, और कंठ में ना कह करके अगर हम इसे काकल्य या ओरस्य कहें तो भी ये सही माना जाता है। कई बार आपको विकल्प जो होते हैं उसके अंदर या तो ये कंठ ध्वनि के अलावा आपको काकल्य मिल जाता है, ओरस्य मिल जाता है, तो उनका भी आप समझ लीजिए क्या होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारा कंठ और हमारा उर दोनों के बीच में ये वाला जो स्थान होता है, जिसमें छोटा सा खड्डा टाइप में होता है, यहां से जोर लगता है ध्वनि को बोलने में। इसका उच्चारण करते समय यहां से हमारा जो ध्वनि है वो यहां से उच्चारित होती है। इसे उच्चारित करके देखिए, अह अह, कहां जोर पड़ रहा है, कहां पर दबाव पड़ रहा है? यहां पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे काकल्य या उरस्य कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो कंठ ध्वनि कहा जाता है, या इसे काकल्य भी कह सकते हो, उरस्य भी कह सकते हो। उच्चारण इसका ह के समान होता है, विसर्ग जो होता है किसके समान उच्चारित होता है? ह के समान। इसका प्रयोग केवल संस्कृत अर्थात तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे प्रातः, यहाँ पर प्रातः, प्रातः का तद्भव क्या हो गया? सवेरा, सुबह। तो प्रातः कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग होता है किसका? विसर्ग का। ये मोस्टली अधिकतर किसमें होता है? संस्कृत भाषा में ही होता है, और री के साथ इसका प्रयोग प्राय नहीं किया जाता है बच्चों। संस्कृत भाषा में जब हम इसका प्रयोग देखते हैं तो री के साथ में इसका प्रयोग बहुत कम होता है। उदाहरण देखिए इनका, प्रातः तत्सम शब्द है, मन तत्सम शब्द है, जन तत्सम शब्द है, जल तत्सम शब्द है, प्राय तत्सम शब्द है, अतः तत्सम शब्द है। आया समझ में आपको? तो हमने अनुस्वार पढ़ लिया और हमने विसर्ग पढ़ लिया। ठीक है, अनुस्वार को नासिक के कहा जाता है
और विसर्ग जो है इसे काकले या उरस्ते कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु के बारे में। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। हमने पढ़ा अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग, अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी स्वतंत्र नहीं है, ना तो स्वर होता है ना व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर के साथ ही इसका प्रयोग होता है, यदि स्वर के साथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये व्युक्त नहीं हो सकता। उच्चारण स्वर के बाद होता है इसका, जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण हमेशा इसका स्वर के बाद में किया जाता है, मुख व नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुख दोनों से ध्वनि उच्चरित होती है। जैसे बोल के देखिए, शब्द ये लिखा है कांच, यदि आप नाक को बंद कर लेते हैं तो भी आप नहीं बोल सकते, यदि आप मुंह को बंद कर लेते हैं तो भी आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। अर्थात जब हम अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी नाक और मुख दोनों से ध्वनि बाहर आती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। मुख और नासिका दोनों का प्रयोग इसके उच्चारण में किया जाता है। उत्पत्ति इसके अनुस्वार से हुई है और तद्भव देश शब्दों के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात तत्सम शब्दों में या विदेशक शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, केवल तद्भव और देशक शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है बच्चों पूर्णतः हिंदी ध्वनि इनको माना गया है, ये किसी भी भाषा से नहीं ली गई है, ये मूलतः हिंदी ध्वनि मानी गई है, ठीक है। जैसे कांच, आंच, दांत, मैंने। अब बच्चों एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, यदि अ और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो उस स्वर में मात्रा के बाद में ये बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका उच्चारण न जैसा नहीं होता, जैसा हमने अनुस्वार का किया था अंग, ऐसा इसका उच्चारण नहीं होगा, उसी प्रकार मैंने, तो ये नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जा रहा है इसको उच्चारण करने में। और एक चीज और, बहुवचन के अंदर जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन में हमेशा सदैव अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चंद्र बिंदु उसमें आता है। जैसे हम लिखेंगे चूड़ी, आप इसका बहुवचन बनाओगे तो होगा चूड़ियां, आया अनुस्वार, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी आप बहुवचन बनाते हैं उन बहुवचनों में सदैव किसका प्रयोग होता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सहायक चिन्ह जो थे अयोगा में कौन कौन से थे, चंद्र बिंदु और विसर्ग और अनुस्वार यानी कि एक बिंदी, और दूसरा तीसरा जो था हमारा वो कौन सा था, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।